आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा देते हैं। फरीदाबाद से खबर है जहां पर मुझेडी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, फरीदाबाद के गांव भुजेड़ी का ये मामला है जहां ये जो युवक है जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है, मात्र 30 से 35 साल की उम्र इसकी बताई जा रही है और गांव नवादा की ओर जाने वाले रास्ते पर इसे गोली मारी गई है। जैसे ही स्थानीय लोगों ने गोली की आवाज सुनी वे इकट्ठा हुए, तब तक जो हमलावर थे वो वहां से फरार हो चुके थे और उन्होंने तुरंत जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो परिजनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि युवक की इस तरह से दिन दहाड़े मौत से काफी सदमे में है परिजन और प्रारंभिक जांच में पुलिस मानकर चल रही है कि हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश हो जिसके चलते इस घटना को अंजाम, वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है, साथ ही साथ हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पूजा, लेकिन जो हमलावर है उनकी पहचान हो पाई है क्या अभी तक? देखिए, अभी तक हमलावरों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि शक के आधार पर जो परिजन है उनसे पूछताछ जो की जा रही है, शक के आधार पर पुलिस जो है हत्यारों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की यदि बात करें तो अभी पुलिस ये नहीं जान पाई है कि इस वारदात को किन लोगों ने अंजाम दिया है। पूजा, आपके अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारी पुलिस के यही कह रहे हैं कि वे क्योंकि मामला जो है काफी गमगीन है, परिजन सदमे में है, इसलिए अभी बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आस पड़ोस में पुलिस पूछताछ कर रही है, इसके अलावा जो नाते रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक जो है उसकी किसके किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कि कोई रंजिश तो नहीं थी पुरानी जिसके चलते उसे इस तरह से गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, इसके अलावा और कोई व्यापारिक रंजिश तो नहीं थी। तो इसे लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल पुलिस जो है प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है और परिजनों से जब गहन तरीके से पूछताछ होगी तो पुलिस का मानना है कि जल्दी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चलिए ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर फरीदाबाद के मुझेडी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़ित परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि किसी से भी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है।